हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार DLED के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन के सेट 6 को देखेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 से 5 तक पूरी तरह से करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेट 6 के वीडियो में टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके DLED के एंट्रेंस एग्जाम से, क्योंकि आपके एंट्रेंस के एग्जाम में GK से प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो खालसा शब्द जो है यह आपका जो है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में हर पक्ष में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त दाब जो होता है निम्नलिखित में से जो है सिस्मोमैनोमीटर से जो है नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो हमारी आँख जो है उत्तल लेंस की भांति जो है कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है यह उत्तर भारत राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो था वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब प्रथम जो शासक था वह बाबर था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में जो है आपको 1028 मतलब कि 1028 श्लोक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वही प्रश्न मैं करा रहा हूं जो कि इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये सभी प्रश्न जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए जो है ये प्रश्न को करा रहा हूं। क्योंकि बिहार में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पूछे जाते हैं, अधिकांश प्रश्न आपसे लड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो है आप प्रश्न को बारीकी से समझेंगे, सुनेंगे और करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई होती है। ध्वनि प्रदूषण को जो है हम लोग डेसिबल से जो है नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। और यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका फुटबॉल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, छोटा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? तो छोटा इमाम बड़ा जो है यह लखनऊ राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, पुस्तक मेघदूत के रचनाकार जो है
वह कालिदास जी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है, अर्धरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो अर्धरात्रि सूर्य की भूमि जो है नॉर्वे देश को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थान है लोथल, यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है या गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस जो है ब्रह्मांड में जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन गैस है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ब्राजील होगा, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए आपका है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति के स्टेशन या शक्ति बिजली घर कौन सा है, तो वो आपका जो है तारापुर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है, याद रखेंगे लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 3 चौड़ाई 2, रेशियो में 3:2, अगर आपसे पूछ दे चौड़ाई और लंबाई तो आप बोलेंगे 2:3, इसका अपोजिट कर देंगे, तो याद हो गया आपको कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है, 3:2, ऑप्शन सी इसका सही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।